चमार बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के। ऑनलाइन क्लास में फिर हुआ जातिवाद। कभी कभी मुझे अपने जीवन पे पछतावा होता है कि भगवान ये कौन सा जीवन दे दिया मुझे। टीचर ने कहा मुझे चमार बना देते तो बूट पॉलिश करता। चमार बना देते मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के। फिजिक्स वाला के टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी मुझे अपने जीवन पे पछतावा होता है। पिछले कुछ दिन से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर ओछी भाषा और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला फिजिक्स वाला नाम के प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल को चलाने वाले अलक पांडे के एक टीचर से जुड़ा है। इस ऑनलाइन क्लास में टीचर सरेआम चमारों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर भगवान मुझे चमार बना देता तो मैं बेफिक्र होकर बूट पॉलिश करता। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी मुझे अपने जीवन पे पछतावा होता है कि भगवान ये कौन सा जीवन दे दिया मुझे। इससे ज्यादा अच्छा वो बना देते, मतलब वो बना देते, चमार बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के, वो सुकून का जिंदगी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई और मामला एससी कमीशन तक जा पहुंचा। आरएलडी नेता प्रशांत कनौजिया ने एससी कमीशन में आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, तो वहीं कई लोग आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर जीतू रजौरिया नाम के यूजर ने लिखा, ये लफंगा शिक्षक अफसोस जता रहा है कि भगवान कौन सा जन्म दे दिया मुझे, इससे अच्छा चमार बना देते, बूट पॉलिश करता। खैर, जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे मैं जात पात धर्म से ऊपर उठकर सोचता हूं, क्योंकि मैं एक अम्बेडकरवादी हूं, लेकिन ये जिस कौम का नाम ले रहा है उस कौम में संत रविदास महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर और उधम सिंह जैसे लोग पैदा हुए हैं। ये कौम कोई कमजोर कौम नहीं है, बल, बुद्धि और विवेक और हिम्मत हर चीज से मजबूत है ये चमार कौम। वैसे एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपने छात्रों को शिक्षा के बारे में बताए, मगर बावजूद इसके कुछ ऐसे जातिवादी शिक्षक भी हैं जो अपनी जातीय कुंठा दिखा देते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स वाला एक प्रसिद्ध ऑनलाइन क्लास चलाने वाला यूट्यूब चैनल है, जिसके संस्थापक अलक पांडे हैं। ट्विटर पर कई लोगों ने दावा किया कि अलक पांडे के कोचिंग सेंटर में इस तरह से जातिवाद सिखाने वाले इस टीचर का नाम मनीष राज है। हमने जब इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगाली तो हमें पता चला कि ये मनीष राज फिजिक्स वाला चैनल के लिए वीडियो बनाता है और इसका अपना यूट्यूब चैनल भी है। ऐसे में अगर ये वीडियो सही है तो आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस बारे में द न्यूज पी के संपादक सुमित चौहान ने लिखा, मुझे चमार बना देते मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पर बैठ के। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिजिक्स वाला के नाम से ऑनलाइन क्लास में एक टीचर चमारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिजिक्स वाला का मालिक अलक पांडे है और ये बेहद गंभीर मामला है कि ऐसे सवर्ण टीचर शिक्षा के नाम पर कुछ जातियों को सरेआम नीच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष विजय सापला से अपील है कि कृपया मामले का संज्ञान ले, वीडियो की जांच कराएं और आरोपी पर SC/ST की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। आरोपी टीचर की शिकायत करने वाले प्रशांत कनौजिया ने लिखा, फिजिक्स वाला और उसके टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। अपने एक ट्यूटोरियल वीडियो में जातिवाद फैलाने और एक बड़े समुदाय को अपमानित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की जाएगी, यानी जल्द ही आरोपी टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। द न्यूज बीक वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी जाँच होनी चाहिए। दरअसल इस तरह के वीडियो में एक तरह का पैटर्न भी नजर आता है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर दलितों को या उनके नायक नायिकाओं को टारगेट करते हैं ताकि वो पॉपुलर हो सकें और उनके व्यूज बढ़ सकें। मुमकिन है इस वजह से भी लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हों, क्योंकि ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी अगर कोई भरी क्लास में ऐसा कर रहा है तो उसकी मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB00002 35।
बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।